नमस्कार, मैं डॉक्टर आयुष पटेल, एमएस ऑर्थो, विजयलक्ष्मी नर्सिंग होम जौनपुर से। और आज मैं आपको प्लास्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। प्लास्टर जो है, जब आपकी कोई हड्डी टूटती है तब लगाया जाता है। और प्लास्टर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि जो सबसे पुराना प्लास्टर इस्तेमाल में आया था वो था प्लास्टर ऑफ पेरिस, और आजकल वो बहुत ही कम इस्तेमाल में होता है। और उसके बाद फिर जो अगला आया था वो जिप्सोना था, फिर जिप्सोना के बाद फिर फाइबर कास्ट आता है। अभी इसके अलावा भी और नए नए प्लास्टर आए, लेकिन ये ज़्यादातर जो है प्रचलन में है। और सबके अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं। जैसे कि जो पुराना है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो काफ़ी सस्ता पड़ता है लगाने में, और लेकिन वो ये कि वो काफ़ी हैवी होता है, काफ़ी भारी होता है, तो उससे मरीज़ को उतना कम्फर्ट नहीं रहता है उसमें, और उसको सेट होने में काफ़ी टाइम लगता है, और काफ़ी कम जोर लगाने पर ही वो टूट भी जाता है। और जो आपका जो जिप्सम वाला प्लास्टर होता है वो थोड़ा और मजबूत होता है, लेकिन वो भी जो है थोड़ा जोर लगाने पे टूट जाता है, उससे थोड़ा मजबूत होता है। लेकिन जो अभी फाइबर कास्ट वाला जो प्लास्टर लगता है वो काफ़ी मजबूत होता है। एक बार वो सेट हो जाता है तो उसके बाद आप कितना भी उसके ऊपर जोर दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, तो टूटता नहीं है जल्दी वो। वैसे कि यहाँ थोड़ा सा कॉस्टली होता है बाकी सारे से, लेकिन बेहतर ज़्यादा होता है उसमें। अगर पानी मान लीजिए ऊपर से लग जाए तो उससे भी कोई नुकसान नहीं होता है, बाकी समय नुकसान होने लगता है पानी लगने से। जो भी प्लास्टर आपको ठीक लगे वो आप लगवा सकते हैं अपने हिसाब से। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि प्लास्टर जो लगाया जाता है उसकी क्या टेक्निक होती है, कैसे लगाया जाता है। तो जब भी कोई प्लास्टर लगाना होता है तो पहले तो जिस समय चोट लगी होती है, हड्डी टूटी होती है, तो हड्डी को पहले हम जो है पेशेंट को थोड़ा सा सुन करके या बेहोश करके हड्डी बैठा देते हैं। उसके बाद फिर जो हिस्सा जहाँ प्लास्टर लगाना होता है उसको अच्छे से साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद उसमें पाउडर या फिर कुछ लोशंस आते हैं उनको लगाया जाता है। उसके बाद फिर सबसे ऊपर जो एक लेयर होती है, स्टॉकिंग नेट लगाते हैं। फिर स्टॉकिंग नेट के ऊपर फिर कॉटन की लेयर होती है, जो आधी आधी दूरी पे 50% उसका कवरेज होता है, उसको पूरा अच्छे से कवर कर देते हैं। फिर उसके बाद ऊपर से फिर प्लास्टर लगाया जाता है, उसमें आप जो भी लगवाना चाहें। और यदि आप फाइबर कास्ट लगवा रहे हैं तो फिर फाइबर कास्ट लगाया जाता है, उसको पूरी तरीके से चारों तरफ से ढक दिया जाता है उस हिस्से को जहाँ पे हड्डी टूटी होती है। फिर उसके बाद जो फाइबर कास्ट है बहुत जल्दी सूख जाता है, 5-6 मिनट में सूख जाता है, तो काफ़ी आसानी से जल्दी आपका काम हो जाता है उसमें। धन्यवाद।